नरसिंह यादव कौन है, ये अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता देते हैं कि नरसिंह यादव इस बार रियो ओलंपिक में भारत की ओर से 74 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती खिलाड़ी के रूप में शामिल होने वाले थे, लेकिन डोप टेस्ट में पाया गया कि नरसिंह ने स्टेरॉयड का सेवन किया था और उन पर डोप टेस्ट फेल रहा है। इसके चलते उन्हें रियो ओलंपिक में जाने पर खतरा मंडराने लगा है। इस पर नरसिंह का खुद का मानना ये है कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है और हो सकता है कि रसोई में किसी की साजिश से उन्हें उनके खाने में ड्रग्स मिलाकर दी गई हो। नरसिंह की प्रैक्टिस और उनसे जुड़े लोगों का भी यही कहना है कि नरसिंह हमेशा सोते जागते बस यही सपना देखते हैं कि कैसे भी वो भारत को इस ओलंपिक में पदक जीत कर ला सके। लोगों का मानना यह है कि नरसिंह कभी भी दवाओं का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि नरसिंह को अगर ये पता था कि डोप टेस्ट होने वाला है तो वो स्टेरॉइड का सेवन नहीं करते। इस पर खुद प्रधानमंत्री का सीधा हस्तक्षेप आया है और भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं संज्ञान लेते हुए कहा है कि जांच होनी चाहिए। अगर नरसिंह किसी साजिश का शिकार है तो उनकी पूरी मदद की जाएगी और उन्हें 74 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए रियो ओलंपिक में भेजा जाएगा। साथ ही कुश्ती संघ ने भी नरसिंह के अचानक डोप टेस्ट में फेल होने पर किसी साजिश की आशंका जताई है। कुश्ती संघ ने मामले को गंभीरता से लेने, पूरी अच्छी तरह से जांच करने की मांग भी की है। वैसे तो ये साफ है कि जिस तरह से नरसिंह कभी भी डोप टेस्ट्स में फेल नहीं हुए, वहां उनका इतिहास बहुत ही साफ सुथरा रहा है और उनकी कुश्ती के प्रति श्रद्धा भी हमेशा साफ रही है। ऐसे में अचानक नरसिंह के डोप टेस्ट में फेल होने के पीछे साजिश की आशंका से मना नहीं किया जा सकता। बाकी तस्वीर और साफ होगी जब इस मामले की तफ्तीश और करीब से की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर स्टेशन।